महाविद्यालय चंबा में दो दिवसीय 56वीं वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता का आगाज 16 फरवरी को पुलिस ग्राउंड बारगा में किया गया। प्रतियोगिता के पहले दिन के शुभारंभ समारोह में बतौर मुख्य अतिथि पुलिस अधीक्षक चंबा अभिषेक यादव रहे। इस अवसर पर महाविद्यालय प्राचार्य विद्यासागर शर्मा ने संबोधित करते हुए कहा कि यह हमारे लिए हर्ष का विषय है कि बतौर मुख्य अतिथि एसपी चंबा हमारे बीच है। उन्होंने कहा कि वर्ष भर की गतिविधियों में खेलकूद प्रतियोगिता का मुख्य स्थान रहा है। उन्होंने कहा कि शिक्षा के साथ साथ हमारे विद्यार्थी खेलकूद प्रतियोगिता में भी बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं और उसी का नमूना आज यहाँ देखने को मिलेगा। इस अवसर पर मुख्य अतिथि एसपी चंबा अभिषेक यादव ने संबोधित करते हुए कहा कि जैसे शिक्षा का महत्व है, वैसे ही खेलों का भी हमारे जीवन में बहुत महत्व है। खेलों से हमारे जीवन में अनुशासन और सहनशीलता आती है। विजेताओं को चंबा श्री अभिषेक यादव जी सम्मान। 56th कॉलेज एनुअल एथलेटिक मीट 2024 ओपन। हेलो मैदान है, आप आगे और रखो आगे। All the competitors, I promise that we shall take part in college 56th annual athletic meet 2023-24, respecting and abiding by the rules of athletics, committing ourselves to athletics without doping and without drugs, with the true spirit of sportsmanship for the glory of athletics and honor of our athletes and our college. Jai Hind, Jai Bharat. यहाँ उपस्थित अन्य गणमान्य व्यक्ति, स्टाफ, पार्टिसिपेंट्स, स्टूडेंट्स और मीडिया से उपस्थित मेरे मित्र, मैं आप सभी का हार्दिक दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने मुझे महाविद्यालय के वार्षिक खेलकूद इवेंट में यहाँ बुलाकर सम्मानित किया। जैसा कि हम सब जानते हैं कि खेलकूद ना सिर्फ हमारी शारीरिक स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी है बल्कि मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन इससे बढ़कर मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि स्पोर्ट्स से हम फिजिकल और मेंटल हेल्थ के साथ साथ कैरेक्टर बिल्डिंग भी सीखते हैं। हम ये भी सीखते हैं कि हार के बाद हमें कैसा व्यवहार करना है और ये भी सीखते हैं कि जीतने के बाद हमें कैसा व्यवहार करना है। इम्पॉर्टेंट ये नहीं कि हम हार रहे हैं किसी इवेंट में या जीत रहे हैं, इम्पॉर्टेंट ये है कि हम अपना बेस्ट दे रहे हैं कि नहीं दे रहे, हम अपना प्रयास पूरी लगन और मेहनत के साथ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। इसके साथ साथ हमें ये भी पता चलता है कि हमें टीम के साथ कैसे काम करना है। जो टीम स्पिरिट है शायद आपको किसी बुक से ज़्यादा स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ या खेलकूद के इवेंट आपको सिखाते हैं। तो मैं यही उम्मीद करता हूँ कि आप जो ये खेलकूद का वार्षिक महोत्सव कर रहे हो वो पूर्णतः सफल हो और आप सबने मुझे बुलाया, फिर से इसका बहुत बहुत धन्यवाद। ये राजकीय महाविद्यालय चंबा की वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा है जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में हमारे चंबा के एसपी जो हैं श्री अभिषेक यादव जी, उन्होंने शिरकत की है और अपना आशीर्वचन दिया बच्चों को और बहुत प्रोत्साहित किया खेलकूद प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए और शारीरिक शिक्षा के ऊपर प्रतिबंध उन्होंने दिया। तो इस तरह के आयोजन महाविद्यालय हमेशा से करता रहा है और इस आयोजन के साथ साथ ही आगे अन्य फंक्शन की भी तैयारियाँ शुरू हो जानी है। तो इस प्रतियोगिताओं में जो भी भाग ले रहे हैं बच्चे जो उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहे हैं उनको अन्य फंक्शन में पारितोषिक वितरण में भाग लेने का मौका मिलेगा। इसके अलावा जो अंतर महाविद्यालय और विश्वविद्यालय स्तर पर बच्चों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया होता है उनको भी आगे पारितोषिक वितरण में शामिल होने का मौका मिलेगा। ये प्रतियोगिताएँ हम बच्चों को प्रोत्साहन के लिए और बच्चों की जो बाकी एक्टिविटीज़ हैं एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के तहत करवाते हैं और जैसे कि हमारे मुख्य अतिथि महोदय ने भी अर्ज किया था कि प्रतियोगिता होने से बच्चे अपनी शारीरिक शिक्षा और शारीरिक दृष्टिकोण से कार्य करते हैं।
नशे से दूर रहने का जो उन्होंने एक जो बच्चों को जो बताया है, ये बहुत ही जरूरी चीज़ है। आजकल नशा मुक्ति